साका नीला तारा की 37वीं बरसी के मौके श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस से वड्डा हमला किया। उन्होंने कहा कि 37 साल पहला सिखा से जुल्म करने वाली कांग्रेस किवें सही हो सकती है। 2000 तो वध पावन स्वरूप अगन भेट किए गए और कांग्रेस ने हाले तक सिखा के जड़े जख्म ने उन्होंने मलम लाने वाल कोई कदम कोई काम नहीं किया। 37 साल पहले जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने अपनी सौ सिख कौम जुलम किया, अपने गुरुधामा ते हमला टैंकों तो पना हमला किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन स्वरूप के उत्ते गोलियां नाल हमला किया, ये तो माड़ी गल की हो सकती है, ये तो वड्डी बेअदबी की हो सकती है। असी बीबी जी दस रहे सी तकरीबन सारे हिंदुस्तान उदो 2,500 गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के स्वरूप अग्नि पेंट कर दते। गुरु घर के कल्ले दरबार साहब नहीं, बहुत सारे कई सौ गुरु घर उन्होंने उदो फौज वाड़ी सी, ते उत्थे उन्होंने जो नुकसान किया, जो मैं कहना शब्द नहीं है कोई दसन वास्ते। ये तो मैं हैरान है कि कांग्रेस पार्टी दी लीडरशिप किमें सफाइयां दे सकती है। मैनू बड़ा दुख लगे, मैं एक कहानी दसना चाहना जो बैठे बीती कोई जो साड़ी सरकार सी, नवंबर का पहला दिन सी जो 84 दे कतलेआम होए, हज़ारा भैन भरा शहीद उस दिन किए गए, तो असैंबली सैशन चल रहा सी। मैं उस असैंबली सैशन च उठ के मैं प्रस्ताव किया स्पीकर साहब नूं कि अज प्रस्ताव करिए कि आप सारी हाउस कंडैम करिए, निंदा करिए जो 84 के अंदर कतलेआम सिख भैन भरावों का होया सी, अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। आई सुनील जाखड़ खड़ा होकर उन्हें कहा असी विरोध करते हैं इस प्रस्ताव का, थोड़े भैन भरावों का कतल किया गया हो विरोध करते हो, क्योंकि वह गांधी परिवार की चमची मारते सी। ते उन्होंने सारी कांग्रेस सुखी रंधावा तो लैके जिन्हें कांग्रेस के अज मंत्री बैठे उत्ते बैठे सी, उन्होंने प्रस्ताव का साथ देने की बजाय वॉकआउट किया। आई सुनील जाखड़ के बाप बलराम जाखड़ ने अपने बयान दिता जो 84 के जो टैंकों तोपण दरबार साहब हमला किया, क्या जे सानू 2 करोड़ सिख भी मारने पैन कोई गल नहीं। आई सुखी रंधावे के पिता संतोख रंधावे ने जो प्रधान से कांग्रेस का, इन्हें वधाई दिती सी कांग्रेस के प्रधान इंदिरा गांधी नूं कि तुसीं चंगा किया दरबार साहब ते हमला किया। मैं उन्होंने पूछे हुण जाके तो तुसीं हुण अपनी पंजाब की अगवाई करना चाहते, आ है सोच इन्हां दी, इन्हां च दिल च दर्द नहीं, शैतान बसे इन्हां दे दिल च शैतान।